बच्ची कहाँ है? बच्ची की डेड हो गई ना। अच्छा मिनट चाहिएगा। तो हम क्या आप लोग को अवगत कराते हैं हमारी पोती को हमारा बेटा ले करके पहाड़िया दवा दिलाने गया था। दवा दिला करके वापस आ रहा था, जो फ्लाई ओवर पर चढ़ना शुरू किया उसी समय चाइनीज मंजे से गर्दन पे आया और गर्दन उसकी आधी कट गई, यहाँ तत्काल उसकी तरफ से मृत्यु हो। हम पूरा परिवार मरमाहत है। कितनी बड़ी बिटिया थी? बिटिया हमारी 7 साल की थी। 5 तारीख को 8वां साल लगा था, 5 तारीख को उसका जन्मदिन था, 5 अगस्त को। उसका हम बर्थडे मना उना करके उसको खांसी आ रहा था, उसकी दवा दिलाने के लिए बेटे से भेजे, उसको दवा दिला के आ रहा था, तभी ये हादसा हुआ। आज डीएम से क्या गुहार लगाने आए? हम डीएम से गुहार लगाने आए हैं कि जिलाधिकारी महोदय, चाइनीज मांझे पर प्रतिबंधित है जो, उसको छापा डाला जाए, हर जगह उसको बैन किया जाए, जब्त किया जाए, गिरफ्तारी हो, हमारी क्षतिपूर्ति की जाए, हमें मुआवजे की मांग कर रहे हैं। ताकि किसी दूसरे के बच्चे के साथ ऐसी घटना न हो, ना ही हमारे परिवार में बच्चे हैं उनके साथ दोबारा ये घटने की प्रवृत्ति हो, इसलिए हम चाह रहे हैं इसका विरोध भी हो। चेतावनी दिया जाए प्रशासन को कि चाइनीज मंजा जब प्रतिबंधित है तो विक्रय उसका कैसे हो रहा है। जब ये बात घोषित हो चुकी है कि चाइनीज मंजा प्राणघातक हथियार के रूप में है, पतंगों के साथ उड़ रहा है, उसके बावजूद उसका विक्रय हो रहा है, तो विक्रय करने वालों पे कठोर कार्रवाई कब होगी, कैसे होगी, और उनको गैर जमानती धाराओं में उनको निरुद्ध किया जाना चाहिए। साथ ही साथ जिसकी क्षति हुई है, जिसकी बिटिया मरी है, उसको क्षतिपूर्ति करें, इस बात की चेतावनी देने और गुहार लगाने हम लोग आए अधिवक्ता से। हम लोग जिलाधिकारी को ज्ञापन देने आए थे, उनकी अनुपस्थिति में एडीएम सिटी महोदय को दिया गया। क्या बोला उन्होंने? कहा कि हाँ इस पर गंभीर कार्रवाई होगी। हम लोगों ने कहा कि निश्चित होना चाहिए, वरना हम लोग बुरी तरह से उद्वेलित हैं, आक्रोशित हैं, ये गलत कार्य लगातार हो रहा है, किसी के साथ भी हो सकती है, हमारे आपके बच्चों के साथ, हमारे आपके साथ हो सकता है। चलती गाड़ी में तार से चाइनीज मंजे से लोग फंस जाते हैं, काल कौलित हो जाते हैं। आज एक ज्ञापन दिया गया है कि जो चाइनीज माजा छुपे छोरी बिक रहा है उसके नाते दुर्घटना भी हुई है, और उसमें उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए, साथ ही साथ और जांच कराई जाए। तो इसके लिए हम लोग जो हमारे संबंधित थाना अध्यक्ष हैं, हमारे मजिस्ट्रेट साहबान हैं, उनको निर्देश दिए गए हैं कि वो जांच करें और कहीं भी इस तरीके का बिकता हुआ पाया जाए तो संबंधित दुकानदार के विरुद्ध कार्रवाई की जाए, और इस घटना में जो भी दोषी हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई के लिए संबंधित को निर्देशित किया जाए।